ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। इन इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो कल का जो चक्रवाती तूफान दाना था वह अभी गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आज सुबह 8:30 बजे स्थित हो चुका है तथा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक यह पुरी और सागर आइलैंड के आसपास भितरनिका और धामरा के बीच में एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में क्रॉस करेगा। इसके साथ जो पवन की गति रहेगी वह 100 से 110 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से रहेगी जो कि मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार तक जा सकती है। इसके अलावा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि कॉमरिन एरिया में स्थित था वह अभी साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उसके एडजॉइनिंग लक्षद्वीप एरिया के ऊपर मीन सीविल लेवल से ऊपर 4.5 किलोमीटर तक स्थित रहेगा। अब इस प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो गंभीर चक्रवाती तूफान दाना जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर अभी स्थित है वह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नॉर्थ ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में पूरी सागर आइलैंड के आसपास 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक भितरनिका और धामरा के बीच में एज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करेगा जिसके साथ जो पवन की गति रहेगी वह 100 से 110 किलोमीटर प्रति आवर और मैक्सिमम जो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जा सकती है। इससे चलते जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है वो कोस्टल ओडिशा साउथ गैंगटिक वेस्ट बंगाल पर 24-25 अक्टूबर तक होने की संभावना है। अब अगले 7 दिनों के लिए वर्षा की चेतावनी की बात करें तो डे वन यानी 24 अक्टूबर के लिए उस गंभीर चक्रवाती तूफान के चलते दाना के चलते ओडिशा व गैंगटिक वेस्ट बंगाल पर अत्यंत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी जाती है तथा केरला पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी जाती है। तमिलनाडु साउथ इंटीरियर कर्नाटका झारखंड बिहार आसाम मेघालय और नागालैंड मणिपुर मिजोरम पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। डे टू यानी 25 अक्टूबर की बात करें तो गैंगटिक वेस्ट बंगाल और ओडिशा में अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। केरला व झारखंड में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है तथा तमिलनाडु व बिहार पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। डे थ्री यानी 26 अक्टूबर की बात करें तो केरला व ओडिशा गैंगटिक वेस्ट बंगाल झारखंड पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। डे फोर पर बात करें तो सिर्फ केरला पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसके बाद डे फाइव से डे सेवन तक ऐसे वो अभी तक ऐसे कोई भारी वर्षा की चेतावनी नहीं दी गई है। मछुआरों के लिए चेतावनी की बात करें तो डे वन यानी 24 से 26 अक्टूबर तक इस दाना चक्रवाती तूफान के चलते मछुआरों को हिदायत जी दी जाती है कि वे ऑफ कोस्ट ओडिशा व वेस्ट बंगाल ऑफ कोस्ट रीजन में ना जाएं क्योंकि इस दौरान जो गेल विंड है वह 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है और मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार तक जा सकती है। इसलिए मछुआरों को इन मार्क्ड एरियाज में अंदर जाने की हिदायत नहीं दी गई है।